दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीवन छेत्री है और रहने वाला मैं सिलीगुड़ी का हूँ और 100% सेफ शो का एडवाइजर हूँ। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीरो ऑफ द डे, यानी कि दोस्तों एक ऐसा अवार्ड जिसे लेने के लिए आपको एक दिन में अपने दम पर 147 बिजनेस वॉल्यूम निकालना होता है। और जब आप इसे 147 बिजनेस वॉल्यूम एक दिन में निकालते हैं तो ये आपको हीरो ऑफ द डे का अवार्ड मिलता है। और दोस्तों आज बारी है उन लोगों को सम्मानित करने का, उन लोगों को रिकॉग्नाइज करने का जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और एक दिन में अपने दम पर 147 बिजनेस वॉल्यूम निकाला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लौता यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो दोस्तों पैसा तो मिलता ही है, साथ ही साथ सम्मान और एक पहचान भी मिलती है। क्योंकि दोस्तों बाहर मार्केट में अगर हम कहीं पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पे हम मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मेहनत के बदले हमें पैसा मिलता है लेकिन सम्मान कभी नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी सेफ शॉप और हमारे सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां, थैंक यू। और दोस्तों आगे हम देखते हैं, सबसे पहले ये है हमारी दमदार लेडी, हमारी टीम की बब्बर शेरनी मिसेस कविता गुरु। मैम के बारे में बताते हैं, मुझे बहुत ही गर्व होता है क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस समय इन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था कि एक हफ्ते के अंदर 60,000 का चेक इन्होंने निकाल के दिखाया था। ये कैसी लेडी है और इनको भी बताया गया था हीरो ऑफ द डे के बारे में और इनका कमिटमेंट था कि ये हीरो ऑफ द डे लेके दिखाएंगे और इन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा किया। और ये एक ऐसी लेडी है, ये जब भी सुबह फील्ड में निकल घर से जब निकलती है फील्ड में तो दोस्तों बिना सेल्स निकाले तो कभी भी अपने घर में लौट के नहीं आती। एक ऐसी लेडी है जिन्होंने हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैं चाहता हूँ कविता मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत बधाई हो कविता मैम आपको, कंग्रेचुलेशन हीरो ऑफ द डे के लिए। और आगे ये हमारी मिसेस कमला शर्मा मैम भी जयगांव के रहने वाली है और मैम ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैम ने अभी रिसेंटली इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और इन्होंने ज्वाइन करते ही सबसे पहले क्यूएसी का अवार्ड लेके दिखाया, उसके साथ साथ मैम सुपर परफॉर्मर भी बनी। और जब मैम को पता चला कि हीरो ऑफ द डे का अवार्ड मिलता है तो मैम ने इस अवार्ड को भी अचीव करके दिखाया। बहुत ही दमदार तरीके से मैम काम कर रही है और मैम का टारगेट है कि मैम इसी महीने के अंदर अपने ब्रॉन्ज लेवल को अचीव करने वाली है और रैंक वन को कम्प्लीट करने वाली है। और मैं चाहता हूं कि कमला शर्मा मैम के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, बहुत बहुत बधाई हो कमला मैम आपको हीरो ऑफ द डे के लिए, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखते हैं ये हमारी मिसेस फुलमाया छेत्री मैम भी जयगांव के रहने वाली है और मैम ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया। बहुत ही शानदार काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और फुलमाया मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई हो हीरो ऑफ द डे अवार्ड के लिए, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखेंगे ये हमारे मिस्टर उमाकांत सिंह सर जयगांव के रहने वाले हैं और सर की भी बात करें बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही दमदार लीडर है क्योंकि आज तक सर को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है और जो भी सर को टारगेट मिला है सर ने हर टारगेट को अचीव किया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सर को कोई बात बताया गया हो और सर ने उसे कम्प्लीट ना किया हो, बहुत ही दमदार तरीके से काम कर रहे हैं और सर ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बहुत जोरदार ताली, उसे बहुत बहुत बधाई हो उमाकांत सर आपको हीरो ऑफ द डे का अवार्ड के लिए, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखते हैं ये हमारे टाइगर है मिस्टर पूर्ण थापा सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, सर की बात करें रिटायर्ड आर्मी है, इसके अलावा अभी स्टेट गवर्नमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत ही डेडिकेशन और बहुत ही दमदार तरीके से काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब लोगों की 20-30 हजार रुपए की सैलरी होती है फिर भी लोग बोलते हैं कि उनके पास में टाइम नहीं है और ऐसा काम कौन करेगा, लेकिन दोस्तों आज बताना चाहूंगा आज सर की मंथली इनकम 50,000 से भी ऊपर है लेकिन फिर भी सर इतना डेडिकेशन और इतनी शिद्दत के साथ में इस बिजनेस को कर रहे हैं और लगातार सर को जो भी टारगेट मिलता है सर हर टारगेट को अचीव करते हैं। सर को जो भी बातें बताई जाती है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सर को कोई चीज बताया गया और सर ने पूरा ना किया हो, और सर ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैं चाहता हूँ हमारे पूर्णा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत बधाई हो पूर्णा सर आपको हीरो ऑफ द डे का अवार्ड के लिए, बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, थैंक
थैंक यू। और आगे हम देखते हैं हमारे सिंटू शेन है, सिलीगुड़ी के रहने वाले और सर अभी फिलहाल माल बाजार में रह के इस बिजनेस को कर रहे हैं और सर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और सर ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो सिंटू सर हीरो ऑफ द डे के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। आगे हम देखेंगे मिसेस बिंदु दास मैम जयगांव के रहने वाली है और मैम एक हाउसवाइफ है, बहुत ही कमिटेड लीडर है, इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत के साथ कर रही है और मैम को भी जब पता चला कि ऐसे हीरो ऑफ द डे का अवार्ड मिल रहा है और मैम ने भी कमिटमेंट लिया कि वो हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाएंगी और मैम जो भी कमिटमेंट लेती है वो पूरा करके दिखाती है और मैम ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैं चाहूंगा मैम के लिए एक जोरदार ताली बजाए, बहुत बहुत बधाई हो बिंदु मैम आपको हीरो ऑफ द डे का अवार्ड के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखेंगे ये हमारी मिसेस लुशिया मैम जो कि नागरकट्टा की रहने वाली है और मैम की बात करें मैम एक रिटायर्ड टीचर है और मैम ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है और हर बार जो भी मैम को टारगेट मिलता है मैम उसे अचीव करके दिखाती है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए लुशिया मैम के लिए। मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको हीरो ऑफ द डे के अवार्ड के लिए, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखते हैं ये हमारे टाइगर है मिस्टर शिव महतो सिलीगुड़ी के रहने वाले, बहुत ही दमदार लीडर है, हर कमिटमेंट को पूरा करते हैं और सर ने भी अपना ये हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया है। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत बहुत बधाई हो शिव सर आपको हीरो ऑफ द डे का अवार्ड के लिए, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। और आगे हम देखते हैं ये हमारे मिसेस विष्णु माया लिंबू है, सिक्किम की रहने वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं शी इज ऑल्सो अ वेट लिफ्टर इन द एज ऑफ 53। मैम 53 साल की उम्र में भी एक वेट लिफ्टर है और मैम को भी पता चला हीरो ऑफ द डे के बारे में और मैम ने भी इसे अचीव करके दिखाया है। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो हीरो ऑफ द डे के अवार्ड के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू। और आगे ये हमारे मिसेस कमला छेत्री मैम है, जयगांव की रहने वाली है, मैम भी एक हाउस वाइफ है और मैम ने भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेके दिखाया। मैम के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो हीरो ऑफ द डे के अवार्ड के लिए, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू। और दोस्तों अभी मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि अभी मैंने जितने भी लोगों का फोटो दिखाया हीरो ऑफ द डे में, आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जिन जिन लोगों का फोटो आज नहीं आया है कोई बात नहीं, माय डियर फ्रेंड्स आपके पास में भी मौका है, आप भी हीरो ऑफ द डे के अवार्ड को आप ले सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है इस पैनल में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग अपना नाम हीरो ऑफ द डे में लेके आएंगे और जिन लोगों का ऑलरेडी हीरो ऑफ द डे में आ चुका है बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना है क्योंकि दोस्तों आपने काम किया उसके बदले में आपको ये सम्मान मिला है। लेकिन दोस्तों अगर सचिन तेंदुलकर अगर एक बार सेंचुरी मार के अगर फिर दोबारा सेंचुरी नहीं मारता तो शायद उन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से नहीं जाना जाता और उन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से नहीं जाना जाता। वो हर बार जब फील्ड में आते हैं तब वो सेंचुरी मारते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लिया है और आगे भी आपने लगातार इस हीरो ऑफ द डे को लेना है और इसे मिशन बनाना है कि हम भी हीरो ऑफ द डे का अवार्ड लेंगे और हमारी टीम के अंदर भी सभी को हम हीरो ऑफ द डे का अवार्ड दिलाएंगे। और इतना ही कह के मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, थैंक यू।